न्यूजीलैंड पर घायल शेर की तरह टूट पड़े मोहम्मद शमी, चोटिल अंगूठे से ही उड़ा डाली धज्जिया। 15/5 दहाई तक पहुंचे सिर्फ 3 बल्लेबाज। भारत के सामने ऐसे फुस हुआ न्यूजीलैंड का बैटिंग ऑर्डर। बिजली की रफ्तार से आती गेंद पर झपट पड़े हार्दिक पांड्या, एक ही हाथ से लपका हैरत अंगेज कैच, तो विराट ने दौड़ कर लगा लिया गले। क्रिकेट में कहते हैं कि हर खिलाड़ी का दिन आता है जिसे उस दिन कोई नहीं जीत पाता है, ऐसा ही कुछ दूसरे वनडे में मोहम्मद शमी के साथ होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी कसी हुई गेंदबाजी से मेहमान टीम न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की कमर तोड़ कर रख दी। बताएंगे पूरी खबर, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच शनिवार को वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला कितना दिलचस्प रहा। दरअसल टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी और ये फैसला सही साबित हुआ। टीम इंडिया की पेस बैटरी ने यहाँ कमाल कर दिया और मोहम्मद शमी की अगुवाई में बॉलर्स न्यूजीलैंड पर टूट पड़े। हालात इतने खराब थे कि न्यूजीलैंड की टीम सिर्फ 15 रन के स्कोर पर अपने 5 विकेट गंवा चुकी थी। वनडे क्रिकेट के इतिहास में न्यूजीलैंड का ये अब तक का सबसे बुरा प्रदर्शन था, जहां उसने इतने कम स्कोर पर अपनी आधी टीम को खो दिया। बाद में न्यूजीलैंड की टीम सिर्फ 108 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। न्यूजीलैंड के खिलाफ इस मैच में मोहम्मद शमी पूरे रंग में दिखे। उन्होंने शुरुआत से ही कीवी टीम पर दबाव बनाए रखा। पहले मुकाबले में गेंदबाजी करते समय शमी चोटिल हो गए थे, वहीं रायपुर में खेले गए दूसरे मुकाबले में भी शमी को मौका मिला, हालांकि उनके अंगूठे में पट्टी बंधी हुई थी। उसके बावजूद भी शमी कीवी बल्लेबाजों पर घायल शेर की तरह टूट कर पड़ गए। शमी इस मुकाबले में शानदार गेंदबाजी करते नजर आए। उन्होंने पहले ही ओवर की 5वीं गेंद पर सलामी बल्लेबाज फिन एलन को बिना खाता खोले ही डगआउट में वापस भेज दिया। उसके बाद शमी ने 7वें ओवर की पहली गेंद पर डेरिल मिशेल को 7 पर आउट कर न्यूजीलैंड को बैकफुट पर धकेल दिया। उसके बाद अगला शिकार ब्रेसवेल को बनाया। मोहम्मद शमी के अलावा इस मैच में हार्दिक पांड्या ने 2, वॉशिंगटन सुंदर ने 2 विकेट लिए। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजी यूनिट का हाल इतना बुरा हुआ कि सिर्फ 3 ही बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा छू पाए, जबकि टॉप 5 बल्लेबाज तो दहाई तक भी पहुंच नहीं पाए थे। इसी कड़ी में भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने भी एक अविश्वसनीय कैच लपक कर डेवॉन कॉनवे को चलता किया, जिसका वीडियो अब सुर्खियों में। दरअसल न्यूजीलैंड की पारी का 10वां ओवर टीम इंडिया के एक्सपीरियंस हरफनमौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या डाल रहे थे, जिनके ओवर की 4थी गेंद पर कीवी टीम के सलामी बल्लेबाज डेवॉन कॉनवे स्ट्राइक पर मौजूद थे। पांड्या ने गेंद को बिल्कुल 3 विकेटों के सामने रखा, जिसको कॉनवे स्ट्रेट ड्राइव कर चौके में तब्दील करना चाहते थे। कॉनवे ने एक जबरदस्त शॉट भी खेला, लेकिन गेंद थोड़ी हवा में रही, जिसको लपकने में हार्दिक ने कोई गलती नहीं की। उन्होंने फुर्ती दिखाते हुए अपने बाएं हाथ से एक अविश्वसनीय गेंद को पकड़ लिया। गेंद तेजी के साथ नीचे आ रही थी, पांड्या ने उसमें बिना कुछ सोचे अपना हाथ डाला और कैच लपक लिया, जिसके चलते कॉनवे 7 रन बनाकर आउट हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।